सुहेग इस रॉकिंग स्टार यश की अपकमिंग मूवी केजीएफ चैप्टर 3 जो कि इस मूवी का थ्योरी के पार्ट 2 में शॉर्टकट तरीके से दिखाया गया जो कि आपको शायद पता भी नहीं होगी। सो गाइस आप केजीएफ चैप्टर 2 देखी भी होंगी तो एंड में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में बताया गया जो कि आपको शायद ही पता होगी। तो गाइस इस मूवी का फुल अपडेट एंड रिलीज डेट बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना एंड गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। सो गाइस केजीएफ चैप्टर 2 में 1978 से 1981 में जंप करा गया है। केजीएफ को एडवांस माइंस की तरह शोकेस करा गया है, तो वो डेवलपमेंट रॉकी भाई ने कैसे कैसे किया एंड केजीएफ में रूल किया एंड रॉकी भाई ने फॉरेन जाके कैसे कैसे क्राइम किया था जो कि फॉरेन में रॉकी भाई का दबदबा मच रहा था एंड रॉकी भाई जब समंदर पे सारे सोना को लेकर जा रहे थे तो उस टाइम फॉरेन के दो शिप उनको मारने के लिए पीछे आ रहे थे क्योंकि उस शिप को रॉकी भाई ने ही बुलाया था एंड इतने तगड़े प्लान के साथ रॉकी भाई ने समंदर पर एंट्री किया है तो कुछ तो खास बात होगी जो कि आपको एंड तक रियलाइज हो जाएगा। एंड गाइस और एक बात, ये बंदा जो कि रॉकी भाई के फ्रेंड था एंड रॉकी भाई के लिए मरने के लिए एंड मारने के लिए तैयार था एंड इस बंदे को अधीरा ने जब मार दिया था तो इसका मारने का कोई भी सीन आगे नहीं दिखाए थे एंड इसकी मां को उसका चेहरा तक भी देखने के लिए नहीं दिए थे। एंड एक बात आप नोटिस भी नहीं करेंगे, इस पूरे मूवी में इस बंदे पर कोई भी फोकस नहीं करा है। क्यों? क्या वो रॉकी भाई इस बंदे को छुपा रहे पूरी दुनिया के नजरों से क्योंकि आगे चल के उनके काम आ सकते हैं? क्योंकि गाइस सुनने को ये मिल रहा है कि अपकमिंग मूवी सालार जो कि केजीएफ पर कनेक्ट हो सकती है क्योंकि अपकमिंग मूवी सालार जो कि लीड रोल पे प्रभास एंड उनकी माँ रोल प्ले यही औरत ही करने वाली है जो कि केजीएफ चैप्टर 2 में इसी बंदे की माँ है क्योंकि गाइस दोनों मूवी की सेम डायरेक्टर सेम प्रोड्यूसर। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे सही लगती है एंड क्या गाइस आपको ये बात सही या फिर गलत लगती तो गाइस जरूर कमेंट करना। एंड गाइस बात करते हैं इस मूवी के बजट एंड रिलीज डेट की, तो ये मूवी को 400 करोड़ बजट में बनाया जाएगा एंड ये मूवी को 2025 में शायद रिलीज कर सकते हैं। सो गाइस आज का इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी, तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि इस तरह का न्यू अपकमिंग लेटेस्ट मूवी की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है।